2025 में आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं, एक मास जेनोसाइड देखने मिलेगा। श्री राम के नारे से क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। जय श्री राम है क्या? एक कॉम्युनल नारा है वो। हम लोग इस सरकार को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। बिल्किस बानो का रेप हुआ 2002 में, यही मुख्यमंत्री था ना मोदी उस वक्त गुजरात में, तो मणिपुर पे चुप्पी साधने का मतलब क्या हो सकता है? इसमें साफ साफ मतलब है कि सरकार बहुजन विरोधी सरकार है। हम तो हिंदुइज्म में विश्वास नहीं करते, दलित तो है, दलित तो विश्वास नहीं करते, तो दलितों को क्यों उस चीज़ में यूसीसी में लाया जा रहा है? ये लोग रेप करते हैं, हमेशा से रेप करते हुए हैं। एक महिला को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझा। अभी बागेश्वर धाम वाला व्यक्ति भी यही बोल रहा है, तुम एक तरफ देवी बना रहे हो, एक तरफ मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? जहाँ जरूरत है पुलिस की, जहाँ रेप होते हैं वहाँ पुलिस क्यों नहीं जाती? सच में इस देश में अगर कोई आतंकवादी है अभी तो हिंदुत्व आतंकवादी है। प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग बहुत कुछ बोलता है वो, जुमलेबाज लगातार, इतना फेंकू इंसान मैंने कभी नहीं देखा। डिफेंस में अगर हमको गन उठानी पड़ी तो हम उठाएंगे डिफेंस में। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। दलित और पिछड़ों की आवाज उठाना हो तो भीम आर्मी जो है सबसे आगे नजर आती है, चाहे वो मध्य प्रदेश में मूत्र विसर्जन की बात हो या मणिपुर में महिलाओं के साथ जो विभत्स घटनाएं हुई उसकी बात हो। भीम आर्मी जो है वो लगातार जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन दे रही है, और उसी से हमारे साथ जो है स्टूडेंट, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से मणिपुर की घटनाएं आई, तस्वीरें आई, उसके बाद प्रधानमंत्री का मौन रहना, सीजीआई की फटकार लगने के बाद जो है बोलना प्रधानमंत्री का, उसमें भी राजनीति कर जाना, किस तरीके से देखते हैं आप? तो उसको देखना पड़ेगा जिस तरीके से 3 महीने से, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ हर मीडिया चैनल को, कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, और उन्हीं 3 महीने में पैरेलल देखेंगे तो एक हमारे देश का प्रधानमंत्री अलग अलग देश में घूम रहा है, लगातार देश घूम रहा है, उसका बता तो होगा सारी चीज़ें। क्या एक सोशल मीडिया बयान देना, तुम लगातार अपने जगह जगह पूरे उसमें आधा 80% अपना फंड तुम एडवर्टीजमेंट में खर्च करवाते हो, सोशल मीडिया पे अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च करवाते हो, तो मणिपुर पे चुप्पी साधने का मतलब क्या हो सकता है? इसमें साफ साफ मतलब है कि सरकार बहुजन विरोधी सरकार है, ये सरकार आदिवासियों के खिलाफ सरकार है। ये सरकार का जो रवैया है, जो इसकी विचारधारा है, वो हमको समझने की बात है। ये पूरा प्रो कैपिटलिस्ट सरकार है, ये पूंजीवादी सरकार है। पूंजीवाद का जिस तरीके से हमारे देश पर हावी है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ना, तो मणिपुर एक नेचुरल रिसोर्सेज का हब है, तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से होगा उनका एक अच्छा रास्ता देखना, दो कम्युनिटी को आपस में लड़वाना, ये सब एक दूसरे से इंटररिलेट करते हैं, देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है, जो पहले ब्राह्मणों ने की, उसके बाद यहाँ पे जो आर्यन इन्वेजन हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशरों ने की, फिर से ये लोग संघ वाले लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो हमको समझेंगे इस चीज़ को कि हम लोग इस सरकार को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। या तो आप ऐसी नीतियाँ बनाइए जो बहुजन के साथ हो, क्योंकि हम लोग 85% लोग हैं, और हम लोग की जब सरकार आती है तो हम सबका सम्मान देते हैं, सबकी इज्जत, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई भी कास्ट से आता हो, हमारे साथ सब एक साथ बराबरी में चलते हैं, और हम एंश्योर भी करते हैं कि समतामूलक समाज के एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ हम है, क्योंकि हम लोग ऑपरेस्ट कास्ट से आते हैं, हम लोग ऑपरेस्ट रिलीजन से आते हैं, हम लोग ऐसी जगह से आते हैं जिनको हमेशा सताया गया, जिनको एजुकेशन से दूर किया गया। आज जब जैसे तैसे करके हमको एजुकेशन मिल रही है, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपको दुख क्यों होता है? आप क्यों, और लगातार ऐसे आदिवासी लोग दिल्ली आ रहे हैं, तो आपका मणिपुर से लेके बिल्कुल बिल्कुल अलग कट जाना, ये इंटररिलेटेड है कि दलितों का और बहुजनों का यूनिवर्सिटी आना, मणिपुर में हमला होना, MP में आदिवासी के सर पे उनके ऊपर पेशाब करना, और यहाँ पे गुजरात में दंगे होना, राजस्थान में हर तरह के दंगे होना, तो इनके पीछे सरकार कोई सी हो एक सोच है, वो है ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म का मतलब कभी ब्राह्मण के अगेंस्ट नहीं होता। अम्बेडकर कहते हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट ब्राह्मण्स, हम ब्राह्मणों के अगेंस्ट नहीं है, वी आर अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, जो हर किसी के अंदर हो सकते हैं, मेरे अंदर हो सकते हैं, एक ऐसी सोच जो जातिवाद को बढ़ावा देती है, एक ऐसी सोच जो एक दूसरे को अपने आप को बड़ा समझती है, दूसरे को छोटा समझती है, एक ऐसी सोच जो प्रधानमंत्री ब्राह्मण थोड़ी है, वो भी तो ओबीसी है। मैं बता रहा हूँ वो उसी के, मैं उससे इंटरकनेक्ट करता, आपने पहले वो, मैं तभी बोल रहा हूँ कि ब्राह्मणिज्म ब्राह्मण नहीं होता, वो ऐसी विचारधारा ऐसी सोच है जो हर किसी के अंदर हो सकती है। जो व्यक्ति एक महिला विरोधी है वो ब्राह्मणिज्म का शिकार है, जो व्यक्ति पूरा इस हायरार्की में फंसा हुआ है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, वो ब्राह्मणिज्म फ्यूडल सोच है, सामंती सोच, जो ब्राह्मणिज्म की सोच। आप कह रहे ब्राह्मण महिला का अपमान करते हैं, जो अपमान कर रहा है वो ब्राह्मण है। मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री
किस तरीके से अपमान कर, बिल्किस बानो का रेप हुआ 2002 में, यही मुख्यमंत्री था ना मोदी उस वक्त गुजरात में, उस वक्त बिल्किस बानो का रेप हुआ, उसके बाद आप पिछले साल उनको छोड़ा गया, तो उनका रेपिस्ट फूल, मैंने फूल वाला पहना के बोला था कि ब्राह्मण, मैं फिर चाहता हूँ कि ब्राह्मण का खून प्योर होता है, हम लोग ये सब मतलब ये सब हमारे लिए माफ होता है, ये लोग रेप करते हैं, हमेशा से रेप करते हुए हैं, एक महिला को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझा, अभी बागेश्वर धाम वाला व्यक्ति भी यही बोल रहा है कि जो महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती शादीशुदा महिला वो, और जो पैर में बीच कुछ तो नहीं पहनती वो लोग खाली डब्बे खाली प्लॉट के सामान, मतलब तुम महिला का एक ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हो, एक महिला को तुम खाली प्लॉट से तुलना कर रहे हो, उसमें क्या हमको सोचने की जरूरत है, हम पढ़ने की जरूरत है कि किस तरीके से इस देश में ऐसी ताकतें जो महिला विरोधी ताकतें पनपती जा रही हैं, हम लोग उसका विरोध करते हैं, हम लोग महिला को एक ह्यूमन बींग के तौर पर समझते हैं, और उसको वो हमसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है, और हमसे ज़्यादा अच्छे इस देश में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है ना दुनिया को बनाने के लिए एक महिला का रहा है, महिलाओं की वजह से, और उस दिन मजदूर मेहनत का जो भारत में दलित के नाम से फेमस दलित कहा जाता है, आउट ऑफ इंडिया ब्लैक कहा जाता है, और उनको अलग 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 जगह अलग अलग ऑपरेशन किया जाता है, वो उन मजदूरों की वजह से इस देश की दुनिया की हर जगह नींव रखी गई, बड़े से बड़े कोठियाँ बड़े बड़े महल इस देश के मजदूरों ने महिलाओं ने बनाए, महिला इस देश इस पूरे संसार में इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लेबर करती है, सबसे ज़्यादा काम करती है, उसको क्या मिलता है आज भी रिलीजन के नाम पे, मैं देवी बनाकर पूजा जाता है, मुझे तो आती है कि इतना अलग कैसे, तुम एक तरफ देवी बना रहे हो, एक तरफ मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है कि महिलाओं को पढ़ने का, सबसे पहली भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला वो सावित्री बाई फूले की वजह से मिला, सबसे पहला गर्ल्स स्कूल खोला उन्होंने सावित्री फूले ने, उससे पहले तो महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, सावित्री फूले को भी ज्योतिबा फूले ने पढ़ाया, तो हम कैसे मान लें किस देवी कैसी देवी मानते हो कि वो तुम्हारी गुलाम बन के रहे तो तुम उसको देवी और सैक्रिफिकेशन का मानते कि मूर्त मानते रहोगे, जब हम अपने पक्ष के लिए बोलती है तो उनका उसका रेप करोगे, तुम उसको बच्चन बोलोगे, उसको बोलोगे उसका कैरेक्टर खराब है, विद्या की देवी सरस्वती को ही तो माना जाता है, अरे यार विद्या की देवी अगर सरस्वती है तो विद्या क्यों नहीं थी, किसके लिए विद्या थी, महिला को लिए, तो पहले कभी सरस्वती तो बहुत पहले से वेदों के जमाने से फेमस है ना सरस्वती, तो क्यों नहीं थी उस वक्त एजुकेशन महिलाओं के लिए, अब आप जैसे जर्नलिस्ट लोग, मुझे बहुत प्राउड होता है जब महिला कैंपस में आती है, एक राजनीति करती हैं, महिला जर्नलिस्ट बनती हैं, महिला इस देश को चलाने में सक्षम है आज, और जो लोग और जो गांव में है वो आज भी वहाँ लोग इतनी बुरी तरीके से महिला को ट्रीट करते हैं, ऐसे छोटे छोटे शहरों में, मैं जिस शहर से आता हूँ वो पूरी सोच एक ब्राह्मणिज्म की शिकार है, वो पूरा ब्राह्मणिज्म अपफोल्ड करती है, और मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं भी ब्राह्मणिज्म का शिकार हूँ, ये सारी चीज़ें तभी बोलते हैं ना लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि ब्राह्मण्स के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं एक जात के, मैं उनको समझाता हूँ फिर से कि नहीं वी आर नॉट अगेंस्ट यू यार, हम तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, हम ब्राह्मण के अगेंस्ट नहीं है, अगर हाँ तुम्हारे अंदर वो सोच है तो हम तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हारे उस विचारधारा के अगेंस्ट है, तो मणिपुर में भी वही सारा कुछ देखने मिल रहा है, और अभी तक हो रहा है वहाँ कोई स्टेटमेंट कोई फोर्स कुछ काम नहीं कर रही, हम यूनिवर्सिटी में यहाँ पे देख सकते हो कितनी पुलिस मौजूद है, तो मणिपुर में जरूरत है पुलिस की, वहाँ क्यों लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, एक यूनिवर्सिटी में अगर हम थोड़ा कलेक्टिव हो जाते हैं ना 10-15 लोग तो पुलिस बुरी तरीके से हमको मारती है और बस में फेंकती है, ये सब कॉमन स्टूडेंट के साथ होता है, तो जहाँ जरूरत है पुलिस की जहाँ रेप होते हैं वहाँ पुलिस क्यों नहीं जाती, और जहाँ जरूरत है पुलिस की वहाँ तो हो जाती नहीं, जहाँ नहीं है जरूरत जहाँ लोग अपनी बात रख रहे हैं वहाँ लाखों में पुलिस होती है, वहाँ टैंक चलवाए जाते हैं, वहाँ लाठी चार्ज है, वहाँ गोली चलवाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इस देश की रियलिटी है, इस देश की रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा और बदलना होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आतंकवाद भ्रष्टाचार करप्शन जो भी है बेटियों के लिए सुरक्षित है हमारा सरकार जो है, और भ्रष्टाचार आतंकवाद हमने खत्म किया। देखो आतंकवाद क्या है उसको समझने की जरूरत है, सच में इस देश में अगर कोई आतंकवादी है अभी तो हिंदुत्व आतंकवादी है, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग, पूरी कम्युनिटी खफा हो जाएगी आपसे, अरे हो जाने दो क्या दिक्कत, उनकी भावनाएं तो बहुत चंद चीजों पे हल्की सी नोक पर टिकी हुई है एकदम से हाथ हो जाती है, हम तो बोलते हैं इस्लामिक टेररिज्म बोलते हो ना लोग बोलते हैं ना उसको, तो हिंदुइज्म टेररिज्म आ चुका है, अब जिस तरीके धर्म के नाम पर जो भी व्यक्ति धर्म के नाम पर जाएगा इतने एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में जाएगा धर्म के नाम पे तो वो टेररिस्ट होगा, मतलब किस तरीके से खुलकर मैं समझाता हूँ, प्रज्ञा ठाकुर पे NSA लगी जो 26/11 के हमले में वो दोषी है, वो तमाम इस तरह कम्युनल वायलेंस की बात करती है, योगी आदित्यनाथ बोलता है
कि अगर पॉलिटिकल उसके लिए अगर तुम हमको एक एक हिंदू को मारोगे हम 10 मुस्लिम महिलाओं के साथ उठा लाएंगे उनको। सावरकर खुद बोलता है जिस आइडियोलॉजी पर कि पॉलिटिकल चीज़ों के लिए मुस्लिम महिलाओं का रेप करना जायज है तो हम करेंगे, ये हिंदुत्व की नींव में बसा हुआ है। तो ये टेररिज्म महिलाओं को तो संरक्षण दे रही है सरकार, जो है 3 तलाक खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को के साथ न्याय किया है। अरे यार ये सब कह देना और एक्चुअल ग्राउंड पे होना वो चीज़ हमको तय करनी पड़ेंगी। देखो कहने को तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहने को तो दलित मेरे भाई हैं, ये सब बहुत कुछ बोलता है वो जुमलेबाज लगातार। इतना फेंकू इंसान मैंने कभी नहीं देखा, इतना कुछ बोलता है। आप भी बताओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सच में एक भी उसकी पॉलिसी जमीन पर काम किया क्या? कैंपस में आज भी दलितों का अत्याचार होना बंद हो गया? ये कैंपस में मुस्लिमों को जय श्री राम के नारे लगवाने बंद करवा दिए क्या? कैंपस में जो जेंडर ऑपरेश कम्युनिटीज आते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटीज आते हैं, क्या उनको असल्ट करना इन लोगों ने बंद किया? नहीं किया। लगातार इस देश की उन कैंपसों में, इस देश के तमाम रोडों पर ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। जय श्री राम के नारे से क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। जय श्री राम है क्या? एक कॉम्युनल नारा है वो, हमारे राम का नाम है, पुण्य होता है राम के नाम लेने से। देखो राम का नाम लेना और जय श्री राम दोनों में डिफरेंस है। हाँ। मैं जब पैदा हुआ बचपन से, जब मैं देखता हूँ अपने गांव में जाता हूँ तो सारे लोग बड़े प्यार से राम राम बोलते हैं। हाँ। मैंने कभी आज तक जय श्री राम का नारा नहीं सुना था। हाँ। 2014 के बाद ये नारा क्यों फेमस हो गया? ये नारा बस वहीं क्यों फेमस होता है जहाँ कम्युनल चीज़ें होती हैं, जहाँ मस्जिदों को आके नारा? तो हमारी सोसाइटी इसको पहले एक्सेप्ट नहीं करती। ये चंद गुर्गे लोग हैं जो इस नारे का प्रयोग करते हैं और अब बढ़ते जा रहे हैं, ये सरकार उनको प्रोपागेट करती है। जय श्री राम को हम रिजेक्ट करते हैं, यहाँ से रिजेक्ट है, क्यों? राम जय श्री राम का नारा देते हैं राम राज्य से, तो राम राज्य का मतलब अगर यही है ना, फिर जिस तरीके राम राज्य में सीता को जलाया गया था ना, फिर से अगर यहाँ भी हाथरस में तुम लोगों को जला रहे हो, एक महिला को जला रहे हो ना, तो ऐसे राम राज्य को मैं ठुकराता हूँ, ऐसे राम राज्य को मैं थूकता हूँ उस पर। मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा और हमारी जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सुधांशु त्रिवेदी को नहीं सुनते क्या? सारी भ्रांतियाँ वो क्लियर करते रहते हैं कि आप लोग गलत ग्रंथ पढ़ लिए हैं। है कौन से सुधांशु त्रिवेदी? वो घटिया इंसान, समझ नहीं आता कि क्या बोलता है। मुझे तो ऐसा लगता है लोग टीवी क्यों देखते हैं, इतना फालतू का इंसान। मैं उसके बारे में बोल के मेरा दिमाग खराब हो जाता, सुन के उसका दिमाग खराब, मेरा दिमाग खराब हो जाता। सारे डाउट्स क्लियर करते हैं वही। अच्छा वो बाबा है तो उसको बोलो सारा कुछ छोड़ के एक मंदिर में बैठे, राम मंदिर आप बन रहा है उसकी ठेकेदारी ले, धर्म का ठेकेदार तो है वो वैसे भी, मंदिर की ठेकेदारी ले, वहाँ बैठकर अपना ज्ञान बांटे। यहाँ कोई उसका ज्ञान नहीं सुनेगा, खासकर हम बहुजन तबके पीछे से पढ़े लोग तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, जिसमें महिलाएं आती हैं, जिसमें दलित आदिवासी सारे लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ जो लोग 15% है, जो 10% जिसमें कैपिटलिस्ट लोग हैं, 5% जो मनुवादी लोग ब्राह्मणवादी लोग हैं, उन लोगों को छोड़ के हम तो चाहते हैं वो लोग उन लोगों को बोलते हैं भाई सुधर जाओ, आप भी हमारे लोग हो, आपके सारा कुछ तो हमने झेला है ना यहाँ पे, आप उन्हें मुगल से अटैक करवाया, आपकी वजह से ब्रिटिशर आए यहाँ पे, आप खुद आर्यन इन्वेजन के बाद आए यहाँ पे, तो आप रियल में ऑपरेसर हो ना। हम तो इस देश के समतावादी लोग हैं, हम लोग इक्वालिटी में विश्वास करते हैं, हमारी लड़ाई वही है इक्वालिटी की और हम इस चीज़ पर लड़ रहे हैं, उसी मोमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो गारंटी दे रहे हैं कि अगर तीसरी सरकार आई तो भारत जो है वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक देश बनेगा। हाउ? मैं प्रधानमंत्री से पूछूंगा, मैंने आज ही पढ़ा सुबह, ये आपकी जो बात है सुबह ही पढ़ी थी मैंने, मैं सुबह उठा तो मैं देख रहा था एक आर्टिकल्स पढ़ा था कि ऐसे प्रधानमंत्री ने बोला कि जब तीसरी बार आते, अरे राम मंदिर खत्म, UCC खत्म, सारे मुद्दे खत्म, तो अब ये मुद्दा बोलेंगे? एक्चुअल में रियलिटी मुद्दा कुछ नहीं बनने वाला इस देश में, सिर्फ और सिर्फ कम्युनल चीज़ें होंगी। 2025 में RSS के 100 साल हो रहे हैं, एक मास, मैं आज ही बार बार बोलता हूँ हर चैनल को, मास जेनोसाइड देखने मिलेगा। पहले मुसलमानों को मारेंगे, फिर दलितों को मारेंगे, फिर महिलाओं को मारेंगे, वो छोड़ेंगे किसी को नहीं, बचेगा कौन? मैं वही तो कह रहा हूँ, जो लोग इनके सरपरस्ती है ना वो लोग बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ बचेंगे इस्लाम पे बचेंगे। अगर हाँ जी हाँ उनके गुलाम बन के जो जिएगा, एक्सेप्ट जो कर लेगा उनको, वो बचेगा। हम जैसे लोग रिवेलिस्ट लोग, हमको मारने की पूरी साजिश है ये लोग, हम लोग लड़ेंगे। अगर अपने इस संघर्ष में मरने को तैयार है तो जान देने को भी तैयार है, और अगर हमारे आत्मविश्वास, हमारे आत्मसम्मान की बात आती है, डिग्निटी की बात आती है, हमारे साथ हो रहे आते अत्याचारों की बात आती है, तो हम डिफेंस में, अगर हमको गन उठानी पड़ी तो हम उठाएंगे डिफेंस में। वी आर नॉट मिलिट्राइजेशन को हम बढ़ावा नहीं दे रहे, हम बोल रहे हैं कि डिफेंस में
क्योंकि लगातार चीजें इतनी बढ़ती जा रही है, हाथों से निकलती जा रही है कि हमको समझ नहीं आ रहा क्या करें। सुप्रीम कोर्ट हाथरस जैसे केस में ये यहाँ की कोर्ट बरी कर देती है उनको, उनको जो रेपिस्ट हैं, तो हम किस पर भरोसा करें? सुप्रीम कोर्ट पर, सरकार से भरोसा उतर चुका है, उठ चुका है, अब कोर्ट पर भरोसा करें क्या? बाबा साहब खुद बोलते हैं, उनकी स्पीच है पार्लियामेंट स्पीच कि जिस दिन संविधान गलत हाथों में चला गया, इसका मिसयूज हुआ, इसको फाड़ने वाला पहला व्यक्ति मैं हूँगा। तो ये संविधान आज गलत हाथों में, या तो इसको बचा लेंगे आज, या तो सरकार ला के इसको बचाएं। अगर ये भी नहीं होता है ना, तो उसके बाद हमारा सीधा रास्ता होगा कि हम अपना डिफेंस में आएंगे, उतरेंगे। भीम आर्मी का नाम उस चीज़ से अच्छे से जाना जाता है, सहारनपुर की वो चीज़ें भूले ना। यूसीसी पर क्या कहेंगे? यूसीसी तो बाबा साहब का सपना था, डीपीएसपी में रखा गया था वो, स्टेट डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि जरूरत आने पे डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वही चीज़ रखी जाती है, जरूरत आने पर लागू हो। तो अभी अरे तुम सबको बराबरी का लॉ दे रहे हो, पहले सबकी सोशल इक्वलिटी तो कर लो, पहले तुम उन दलितों को तो अपने बराबर ले आओ, उन मुसलमानों को तो अपने बराबर ले आओ, उसके बाद इक्वलिटी लॉ होंगे ना। हम तो हिंदुइज्म में विश्वास नहीं करते, दलित तो है, दलित तो विश्वास नहीं करते, तो दलितों को क्यों उस चीज़ में यूसीसी में लाया जा रहा है? और दूसरे आदिवासी तो हिंदू अपहोल्ड मारते नहीं, तो उन पे भी फिर हिंदू समानता कानून लागू होगा क्यों? हम तो नहीं है हिंदू, इसलिए बोलेंगे अभी यूसीसी के लिए ये देश तैयार नहीं है। आगे इन फ्यूचर अगर इस देश में समतामूलक सरकारें आती हैं, एक इक्वलिटी का समाज, एक सबको प्यार करने वाला समाज बनता है, तब यूसीसी लागू हो, तब वो बहुत आगे की बात है, तब की बात देखेंगे तब। लेकिन अभी तो यूसीसी के लिए ये देश नहीं है प्रॉपर तैयार, नहीं अभी सिर्फ और सिर्फ ये देश है कि इसमें इकोनॉमिक इक्वलिटी कैसे लाई जाए, सोशल इक्वलिटी कैसे लाई जाए, महिलाओं को अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए, दलितों को किस तरीके से मेनस्ट्रीम में लाया जाए, ये चीज़ है बस। तो साफ तौर पर आपने सुना कि कैसे महिलाओं, दलितों और पिछड़ों के लिए अभी काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो करना ज़रूरी है। साथ ही आपने ये भी समझा कि लड़ाई जो है ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ है, ये समझने की ज़रूरत है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गृह जनहित आवाज़।